मौजूदा सिंधी समुदाय ने मौन जुलूस निकालकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका। उन्होंने भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सिंधी समुदाय ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम SDM सदर अर्पित गुप्ता व CO सिटी अरविंद चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। वहीं आपको बताते चले कि सिंधी समुदाय पाकिस्तान के प्रति लोगों का आक्रोश देखने को मिला। अयोध्या शहर में हो रही रिमझिम बारिश के बीच सिंधी समुदाय ने मौन जुलूस निकाला। इस मौन जुलूस में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बनकर रामनगर में मौन जुलूस निकालकर शहर के फतेहगंज में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका। वहीं सिंधी समुदाय की युवती की पाकिस्तान के सिंध में हत्या हुई थी। बड़ी संख्या में आज सिंधी सेंट्रल पंचायत के मुखिया बरमदास जी के नेतृत्व में निकले हैं और यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग सारे साथ में निकले हैं। उद्देश्य सिर्फ एक है कि आतंक के विरुद्ध आवाज़ को उठाना, और पाकिस्तान आतंक को संरक्षण देने वाला एकमात्र देश है पूरे विश्व में, और हमारी यही सिर्फ एक मांग है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। और इसमें मोदी जी बहुत प्रभावी काम कर रहे हैं। हम आज उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया है, उन्हें काली सूची में डाला जाए और वहाँ पर लगातार हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, और ऐसे दोषी तत्वों के खिलाफ जगह जेल में होनी चाहिए, वो समाज के लिए घातक हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। आज हमने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में, हमारे बीच में SDM साहब उपस्थित हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है और साथ में क्षेत्राधिकारी नगर महोदय, ये दोनों अधिकारी बहुत संवेदनशील है। हमारी बात को उन्होंने उच्च स्तर तक पहुँचाने का आश्वासन भी दिया है और हम अपेक्षा करते हैं कि संबल संस्तुति के साथ हमारी मांग को ये पूरा करेंगे। थैंक यू। तो मैं अपनी तरफ से सिंधी समाज को इस चीज़ की बधाई दूंगा कि इतनी बरसात में भी वो अपने समाज के लिए खड़े हुए हैं, सब लोग डट कर खड़े हुए हैं। उसके बाद जो भी इन लोगों ने मांगे दी हैं वो एक पूरे कम्युनिटी के लिए हैं, जो उचित माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी, जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएंगी, और जो भी इनका निदान संभव होगा उचित स्तर से किया जाएगा। क्या मुख्य मांगे इनकी? मुख्य मांगे अभी बेसिकली जो पाकिस्तान में जो एक अत्याचार या जो समाज पे एक टॉर्चर वाली चीज़ें आ रही हैं उन्हीं को लेके इन्होंने सारी मांगे दी हैं, जिनका निदान संभव होकर किया जाएगा। थैंक यू।